हेलो एवरीवन, फिल्मी क्रेजिस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, जैसे ही सुबह उठा ना भाई, मेरी आंखें खुली और उसके बाद मैंने ट्विटर खोला। मेरे ऊपर ना रात से ध्यान में था कि क्या के चीचा रात को ही एक ट्वीट के माध्यम से बता दिया था उन्होंने कि कुछ बड़ा होने वाला है कल। तो मैं बोला क्या होने वाला है भाई, क्या के चीचा का ट्विटर खोलते हैं। तो क्या के चीचा का जब ट्विटर खोला ना भाई, पढ़ के तो यार पहले मुझे गुस्सा आया। मैं बोला यार क्या के चीचा, सच में आप पागल हो गए हो। आपको ना हॉस्पिटल की ज़रूरत है, आप अपनी इलाज कराओ, दवा ववा खाओ, क्योंकि आप ना होश में नहीं हो। आप हो चुके हो बेहोश और आप कुछ भी सोशल मीडिया पे ट्वीट्स कर रहे हो। अरे भाई को लेके उन्होंने बहुत गंदा ट्वीट्स किया दोस्तों, और लगातार ट्वीट कर रहे हैं। मतलब कि मैं क्या ही बोलूँ, मैं यार मैं पढ़ के आपको नहीं सुना सकता। अगर आप ट्विटर हैंडल चलाते हो तो आप जाके उनकी प्रोफाइल खोल लो और चेक कर लो। आप सलमान भाई को जिस तरीके से उन्होंने ट्रोल किया ना, उसी तरीके से सलमान खान के फैंस भी उसको बजा रहे हैं क्यार के चीचा को। देखो यार, क्यार के चीचा बीच में सुधर गए थे। आपको बता दूं कि टाइगर 3 के समय में वो जिस तरीके से बुढ़ाओ 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 करके सलमान भाई को ट्रोल कर रहे थे, उसी तरीके से यार जिस तरीके से उन्होंने नेगेटिविटी फैलाई है ना भाई, मतलब कि क्या ही बोलूँ मैं उनके बारे में। यार ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं क्यार के चीचा को, बस इतना बोलना चाहूँगा मैं इस वीडियो के माध्यम से, क्यार के चीचा आपको पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है किसी से। आप सलमान भाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप ना बॉलीवुड के किसी भी एक्टर को, छोटे छोटे पैर वाले, छोटे छोटे हाथ वाले, किसी ना किसी को आप ट्रोल करते रहते हो। यार इतनी खुन्नस आपके अंदर भरी हुई है बॉलीवुड के खिलाफ, मतलब कि आप सारे भड़ास वीडियो में निकालते रहते हो। अब मुझे पता नहीं आपको ये भड़ास आती कहाँ से है। आपको मानता हूँ कि आपकी फिल्में बॉक्स ऑफिस में नहीं चली थी, 2006 या 5 में आई थी आपकी एड्रेस रोही। आपने ट्राई किया था कि मैं भी एक एक्टर बनूं, मैं भी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में स्ट्रगलर करके एक बड़ा सुपरस्टार बनूं। तो यार सुपरस्टार बनाना और सुपरस्टार ना बनाना ये पब्लिक के हाथ में है। पब्लिक चाहेगी तो आप सुपरस्टार हो, पब्लिक नहीं चाहेगी तो आप सुपरस्टार नहीं। चाहे वो सलमान हो, शाहरुख हो, आमिर हो, अक्षय हो, ये जो सुपरस्टार आज बन के बैठे हुए हैं ये पब्लिक की देन है। पब्लिक ने इनको सुपरस्टार बनाया, आपने सुपरस्टार नहीं बनाया इनको। आप और जाहिर सी बात है, पब्लिक जिस एक्टर को नकार देती है वो एक्टर जीरो हो जाता है, सुपरस्टार से जीरो हो जाता है। तो जाहिर सी बात है पब्लिक चाहती है उनको, तो यार सुपरस्टार है यार, तो आपको कहने से ना कहने से कोई जीरो नहीं होने वाला। मानता हूँ कि सलमान भाई आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपकी वो पर्सनल मैटर है, आपने अच्छी बात है बैठ के समझौता करो, जो भी करो आपकी पर्सनल मैटर पे हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन जिस तरीके से आप नेगेटिविटी फैलाते हो किसी एक्टर को, मैं सलमान भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी जितने भी स्टार हैं मैं उनकी भी बातें कर रहा हूँ, आप हर एक्टर को गंदा बोलते हो, कुछ ना कुछ बुराई करते रहते हो। और सलमान भाई को तो इस बार उन्होंने ज़्यादा ही बुराई कर दिया दोस्तों, मतलब कि जिस तरीके से उन्होंने नेगेटिविटी फैलाया ना भाई, क्या ही बोलूँ मैं यार। मतलब कि उनका कहना है कि उनको मजबूर किया, उसके बाद पर्सनल आ गया उनको, उनके बेटे को ट्रीट किया गया, उनका करियर ख़राब वगैरह वगैरह। अभी पढ़ो जाके आप ट्विटर हैंडल पर तो आपको समझ में आएगा कि वो क्यार के चीचा ने क्या लिखा है। दोस्तों ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।